हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो पूरे विश्व में जाना जाता है, हम आज आ चुके हैं जागेश्वर मंदिर के पास। तो यहाँ की मान्यता यह है कि अगर आपको संतान प्राप्ति की अगर लालसा लेकर के यहाँ पे आते हैं तो आपकी लालसा पूरी होती है। यहाँ के पुजारी जी बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि ये 13वीं से 13वीं सदी के बीच में बनाया गया है मंदिर। बहुत ही पुराना राजा यश के द्वारा बनाया गया। तो आगे का जो चीज है मैं पंडित जी से पूछूंगा और आपको कुछ देर में मंदिर के प्रांगण के बारे में भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में लगातार आप बने रहना, फिर मिलते हैं कुछ समय के बाद। तो जैसा देख सकते हैं भक्तों, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं तो जागेश्वर धाम जरूर आइए। जागेश्वर धाम ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में से 35 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। आप बाइक से, अपने साधन से या किसी भी वाहन से, बस भी चलती यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही प्राचीन, जो लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक है वो देख ले, ये महाभारत कालीन बना हुआ है। बहुत ही भव्य है, बहुत ही आकर्षणीय है। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर एक बार आइए और भगवान जागेश्वर धाम का दर्शन प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही, यहाँ पे 2 किलोमीटर दूरी पे पूरा देवदार के वृक्ष मिलेंगे आपको चारों तरफ। और यहाँ पे ये 124 ज्योतिर्लिंग पीठ हैं, सब अलग अलग देवताओं की मान्यता है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। अगर आप स्नोफॉल का, अगर यहाँ पे या बर्फ का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो आप जनवरी से फरवरी के बीच में आ सकते हैं, या अगर आप बुजुर्ग हैं या आपका उम्र 40 से अधिक एज का है तो आप मार्च और अप्रैल में यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि भक्तों यहाँ पे बहुत ही ठंड रहती है, देवदार के एकदम पूरे जंगल ही पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, बना हुआ है मंदिर, बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ पे आप अगर आना चाहते हैं तो आप, मैं कहूँगा कि आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के सीजन में ज़रूर आएँ और यहाँ पे आकर के दर्शन प्राप्त करें। उनमें ये 8वीं सौराष्ट्री सोमनाथ श्री शैल्य मल्लिकार्जुन उज्जैन में महाकाल ओंकारेश्वर परली बैद्यनाथ भीमा शंकर सीध मंदिर तो रामेश्वरम नागेश्वरम दारुका बनी नागेश्वर नाम से जाने जाते हैं। 8वीं ज्योतिर्लिंग है दारुका बनी। ये देवदार का जंगल जो है यह 2 किलोमीटर की परिधि में है, उससे बाहर आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 100 किलोमीटर तक देवदार नहीं मिलेगा। उसके मध्य में स्वयंभू है, कई ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं, आप स्वयंभू हैं। 3 टाइम पूजा होती है, 4:30 बजे प्रात पूजा होती है, 10:30 बजे भोग पूजा होती है, दाल चावल और सब्जी और बड़े का भोग लगता है, शाम को 6 बजे आरती होती है। पूरे परिसर में 124 मंदिर हैं जिनमें 108 भगवान शंकर के लिंग रूप में हैं और बाकी 17 अन्य देवी देवताओं के हैं, जैसे पुष्टि माता हैं, महाकाली हैं, हनुमान जी हैं, पीणेश्वर हैं, इस तरह से 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर। अच्छा महाराज, ये कितना प्राचीन मंदिर है? ये प्राचीन ऐसा है, बनावट के आधार पर तो ऐसा लगता है कि ये महाभारत काल का है। वैसे अच्छा। भारत की सबसे बड़ी संस्था ये SI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने जो लिखा है ये मंदिर 8वीं से 13वीं सदी तक बने हैं। अच्छा। जी, लेकिन इनकी बनावट के आधार पर ये उससे भी प्राचीन लगते हैं। जी हाँ, ये उत्तराखंड के किस जगह पर है? ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हाँ जी। वहाँ से आप हल्द्वानी आएंगे, हल्द्वानी से अल्मोड़ा आएंगे, अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर आगे है पूरब की तरफ। पूरब की तरफ। जी हाँ। और कुछ क्या बोलते हैं मंदिर परिसर के बारे में? परिसर में, पूरे परिसर में 124 मंदिर हैं, तो जिनमें 3 मंदिरों में विशेष रूप से पूजा होती है, बाकी जो मध्यकालीन भोग पूजा होती है उसमें सभी मंदिरों की पूजा होती है। अच्छा, इसका जब ये मंदिर बना तो पहली बार पूजा कब से आरंभ हुई, मतलब ये ऐसा है यहाँ पूजा व्यवस्था? यहाँ अंदर आपने जो प्रतिमाएं देखी दो राजाओं की, हाँ, एक दिया लिए हुए एक ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध खड़े हैं। तो आजादी से पहले भारत में छोटी छोटी रियासतें होती थी, तो हमारे कुमाऊं में इनकी रियासत थी जो अंदर आपने देखी, चंद्र राजा है वो। तो उन्होंने अपनी रियासत से 365 गांव इस मंदिर को जागीर के रूप में चढ़ा दिए। उन गांव को पूजा से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी,
इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिमाएं लगाई। तो ये समझिए कि 8वीं सदी से ये पूजा व्यवस्था राजाओं के द्वारा प्रारंभ कराई गई। जी हाँ, तो चंद्र राजाओं के द्वारा तब से चलता आ रहा है, तब से बराबर चलता आ रहा है जी। पहले तो इन्होंने गांव जो चढ़ाए थे उन गांव से सारी पूजा व्यवस्था मतलब भोग सामग्री वगैरह वगैरह सब आता था, लेकिन अब ऐसा है अब यहाँ समिति बन गई है तो सब समिति के ओर से आता है, उनके अंदर वो दान पात्र लगे तो उससे सारा खर्चा मेंटेन करते हैं जी। अच्छा, इसका पंडित जी मेन मान्यता क्या है इस मंदिर की, मतलब इस प्रांगण की? मान्यता ये है कि ऐसा है, यजमान जागेश्वर कहे जाते हैं, जागृत रूप में है, जो सच्चे मन से आता है और हाथ फैला के आता है मुट्ठी बांध के ले जाते हैं। हमने भी ऐसे स्वयं उदाहरण यहाँ देख लिए हैं, जो सच्चे मन से आया हाथ फैला के और मुट्ठी बांध के ले गया। जैसे महाराज जी जी, जैसे कई अधिकतर लोग संतान प्राप्ति के लिए आते हैं तो उसमें जो बिल्कुल मतलब 90% लोगों को की मन्नत पूरी होती है। अच्छा जी हाँ, यहाँ की मान्यता जी हाँ, जो सच्चे मन से अपनी मन्नत को लेके आएगा बिल्कुल पूरी होगी, ये निश्चित है। बहुत बहुत पंडित जी धन्यवाद आपको बताने के लिए। इसका एक उदाहरण जैसा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अच्छा अच्छा हाँ। उनकी लड़की ये आंध्र के IG को ब्याही। अच्छा। तो अमेरिका तक इलाज के लिए गए, कहाँ कहाँ विदेशों में गए, सब जगह से कह दिया कि आपकी संतान नहीं होगी, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा यहाँ आए, 7 दिन रहे यहाँ, पूरी पुलिस छावनी हो गई थी यहाँ चारों तरफ, TRC में रहे, सुबह 7 बजे आते थे, 12 बजे वापस, पता नहीं क्या करते थे वो, और कोई पूजा नहीं कोई पाठ नहीं, बस 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे अपना ध्यान में बैठते थे, पता नहीं क्या करते थे। तो ठीक है, 7 दिन रहे अपना, उसके बाद 1.5 साल के बाद बच्चे को लेकर के यहाँ आ गए। ऐसी हमने भी ये चमत्कार देखा, उनके ही बयान थे कि उनको मतलब सारे डॉक्टरों ने, जितनी हमारी ये डॉक्टरी व्यवस्था है, सब ने कह दिया था कि तुम्हारा ये संभव नहीं, बच्चा नहीं होगा, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा चमत्कार, ये सबसे बड़ा एक चमत्कार तो हमने ऐसा देखा। अच्छा महाराज, जो कहते हैं कि मतलब वे भगवान नहीं होते हैं, काल्पनिक है, अब ये तो अपने अपने मन की बात है, आप जिस तरह से सोचो, ये अपना अपना सोच है, तो उसको मतलब वे मानने के ऊपर डिपेंड है, मानो तो सब कुछ ना मानो तो कुछ नहीं है। हाँ, वो अपना अपना सोच है। नहीं नहीं, कहने का मतलब कि जैसे बहुत प्राचीन मंदिर है, अभी राम मंदिर बना था जी, तो अभी कह रहे हैं कि नहीं काल्पनिक है, फलाना है, नहीं प्राचीन मंदिर है, ये तो ऐसा है, अपने अपने विचार है, अपना अपना सोच है, नहीं तो प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति इतना ये कैसा शक्तिपुंज बना हुआ है, सूर्य अपनी जगह है, चंद्रमा अपनी जगह है, धरती अपनी जगह है, अपना अपना सब परिभ्रमण कर रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, प्रकृति का अपना अपना अलग से, कभी पतझड़ हो रहा है, कभी बिल्कुल पल्लव आ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, कभी ठंडी का मौसम है, कभी गर्मी आ रही है, कभी मतलब शरद आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब आप जिस तरह से सोचो, नहीं तो कुछ न कुछ तो है। हाँ, आदमी जिस तरह से मानते, और काल्पनिक ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं।